प्लेन की सीट के नीचे मिला 1 किलो सोना। इस एक बिस्किट की कीमत 52.10 लाख रुपए। यात्री ने घबराकर सरेंडर किया। नमस्कार, मैं हूँ शारदा काला। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे द्वारा प्रसारित की गई खबरें आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। देखिए जयपुर की खास खबर। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने आज फिर से एक गोल्ड तस्करी का मामला पकड़ा है। स्पाइस जेट के विमान की सीट के नीचे से एक गोल्ड बरामद किया है। बिस्किट फॉर्म में लाए गए 1 किलो सोने की बाजार कीमत करीब 52.10 लाख रुपए है। इस मामले में कस्टम ने एक यात्री को गिरफ्तार किया है, जबकि एयरलाइंस के 5 स्टाफ को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। कस्टम के अधिकारियों को शक है कि इस मामले में स्टाफ भी शामिल हो सकता है। कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल ने बताया कि स्पाइस जेट की फ्लाइट आज दुबई से देर शाम जयपुर पहुंची। इस फ्लाइट की आज जब रेंडम रूमेजिंग किया तो उसमें एक सीट के नीचे पैकेट मिला, जिसे खोला तो उसमें एक गोल्ड बिस्किट निकला जिसका वजन 1 किलोग्राम है। सीट नंबर के आधार पर यात्री की पहचान की गई और उस सीट की लाइन में बैठने वाले 3 यात्रियों को अराइवल हॉल में ही रुकवा लिया। आपको बता दें कि कस्टम की टीम ने जुलाई के महीने में अब तक 5 कार्यवाही कर दी है। इस दौरान करीब 5 किलो 115 ग्राम सोना पकड़ा है, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू करीब 2.18 करोड़ रुपए है। पूछताछ में सरेंडर हो गया यात्री। 3 यात्रियों को रोकने के बाद एक एक यात्री को अलग अलग रूम में लेकर जाकर उनसे पूछताछ की। इस दौरान एक युवक पूछताछ के दौरान घबरा गया और उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद 2 अन्य यात्रियों को छोड़ दिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में यात्री ने बताया कि वह अप्रैल में किसी गांव के दूसरे युवक के कहने पर रोजगार के लिए दुबई गया था, लेकिन वहां काम नहीं मिला तो वह वापस लौट आया। इस दौरान उस युवक ने उसे यह पैकेट दिया और उसके बदले 10,000 रुपए खाते में डलवाने और एयर टिकट देने की बात कही। एयरलाइंस स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया। कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में स्पाइस जेट एयरलाइंस के सर्विस स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। इसके लिए 5 स्टाफ के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें सफाई करने वाले से लेकर टेक्निकल स्टाफ, सिक्योरिटी वाले भी हैं। देखते रहिए हमारे साथ MP7।